हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले सोम कुमार, जो कि पहला इंडियन बन सकता है टू प्ले इन यूएफए चैंपियंस लीग क्वालिफायर। जी हां दोस्तों, वो उसको सिलेक्ट कर दिया गया है एज अ थर्ड चॉइस गोलकीपर फॉर द स्लोवेनिया क्लब कॉल्ड एनके ओलंपिया। अभी ये सोम कुमार का पूरा जर्नी, पूरा स्टोरी क्या कहलाता है, जानेंगे इस वाले वीडियो में। सो जर्नी सोम कुमार की ऐसी स्टार्ट होती है, वो 13 साल के रहते हैं एंड उन्होंने वो टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं इटली में अंडर 15 टीम के लिए, ठीक है। उनको एक चांस मिलता है एक गेम खेलने का, तो वहां पर सीरिया ए साइड बोलोगना उनके अगेंस्ट खेलते हैं। वो रिजल्ट की अगर बात करें तो 1-1 ड्रॉ हो जाता है, लेकिन वहां पर वो मैच में सोम कुमार ने 3 पेनल्टी सेव किया एंड उसी के चलते उन्होंने वो सीरीज वन किया। एक सीरीज था, उन्होंने वन किया एंड वो थर्ड चॉइस गोलकीपर थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन चुके थे वो टीम के बारे में। एंड उसी के चलते ये परफॉर्मेंस को देख के इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के जो अंडर 17 ट्रायल्स से जस्ट बिफोर द एएफसी अंडर 17 क्वालिफायर्स, उसके लिए उनको बुलाया गया एंड वहां पर वो फोर्थ चॉइस गोलकीपर थे। एंड जब भी वो अंडर 17 ट्रायल्स दे रहे थे, ठीक है, वो बहुत यंग थे, ठीक है, जो भी बच्चे लोग थे उससे बहुत यंग थे, लेकिन वहां पर भी उसने शानदार परफॉर्मेंस दिया एंड इसी के चलते जो सिलेक्टर्स थे उनका आई कैच किया एंड उसको सोम कुमार को कॉल अप मिला भाई अंडर 20 नेशनल टीम के लिए, जो कि खेलने वाली थी इन द रीसेंट अपकमिंग मंथ सैफ अंडर 20 टूर्नामेंट। तो भाई उसको चांस मिला सैफ अंडर 20 टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो अगर आप बात करोगे पहला मैच में उसको चांस नहीं मिला था, लेकिन सोम कुमार को सैफ में सेकंड मैच खेला, ठीक है, और उसने वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो सेकंड मैच जीते एंड इवेंचुअली वो टूर्नामेंट भी जीते एंड भाई उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। ही वॉज द यंगेस्ट एवर टू विन द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड इन सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड इसी के चलते ये टूर्नामेंट हो गया। इसी के चलते भाई उसको आईएसए क्लब का ऑफर मिला। ये बोले उन्होंने कि भाई आप आइए हमारे क्लब को ज्वाइन कीजिए, आपको फर्स्ट टीम में चांस मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर ही जो ब्रेवरी दिखाई है, जो कॉन्फिडेंस खुद पे दिखाया है सोम कुमार ने, उसको सैल्यूट देना पड़ेगा। उसने ये जवाब दिया कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू प्ले, या तो मुझे नहीं लगता कि अभी सही मौका है, आई वांट टू कंटिन्यू माय जर्नी इन यूरोप विद स्लोवेनिया एंड वहां पर ही मैं कंटिन्यू करूंगा जर्नी और यू नो मैं ट्रेनिंग वगैरह करूंगा एंड आई हैव टू मेक अ मार्क ऑन इन द यूरोपियन स्टेज। एंड ये पूरी जर्नी अभी तक जो चल रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से अभी तक चल रही है, इसमें सदानंदन सर जो इनके है ना एक गाइडेंस है, उन्होंने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है सोम कुमार के यू नो पूरे जर्नी में। आपको पता है ना कि जो कोच रहते हैं जो गाइड करते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग करना है, हमें ये करना है, जो भी अरेंजमेंट रहते हैं एक फुटबॉल प्लेयर के लिए, उन्होंने वो किया है। एंड स्लोवेनिया में उन्होंने एक एलएम ग्रुप मैनेजमेंट था तो उनसे मिला है एंड वहां से वो उसके लिए मतलब आप उसी के मैनेजर से ना प्लेयर्स के, तो उसके लिए सोम कुमार वो एलएम ग्रुप के साथ है ना आप उसी की कोलैबोरेटेड है, तो ज्वाइंट है। एंड 2021 ये साल में भाई उसने ज्वाइन किया अंडर 17 टीम ऑफ एनके किरका KRKA, ठीक है, जो न्यूली प्रमोटेड साइड थी टॉप डिवीजन ऑफ स्लोवेनियन फुटबॉल। और वहां पर उसने भाई उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड वहां पर भी सेम था, थर्ड चॉइस गोलकीपर थे बट एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन चुके थे एंड उसने उसके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही भाई ये उनकी जो क्लब थी उन्होंने थर्ड प्लेस फिनिश किया। एंड देन फिर आता है भाई ये बड़ा क्लब एनके ओलंपिया, उनकी नजर पड़ती है ये हमारे सोम कुमार के ऊपर एंड उन्होंने उसको बोला कि भाई आप आइए, उसको ज्वाइन बोला फरवरी में, ठीक है, फरवरी में ट्रांसफर 2020 ये साली उसको फरवरी में उसको बुलाया गया भाई कि आप आइए हमारे अंडर 19 टीम के लिए, ठीक है। और वहां पर भी जब भी आए थे थर्ड चॉइस गोलकीपर थे पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा है ना मैडम बंड मार दी ना भाई, तो वहां पर भी उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वहां पर थर्ड चॉइस से फर्स्ट चॉइस गोलकीपर उसके। तो आप बोल सकते जहां पर भी जा रहे थे अंडर 17 अंडर 19 थर्ड चॉइस गोलकीपर थे, फिर बाद में फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हो चुके हैं एंड ये साल करंटली भाई उसको कॉल अप मिला है द मेन टीम जो कि यूएफए चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स खेलने वाली है। जी हां दोस्तों, एनके ओलंपिया जो क्लब है जो क्वालिफायर्स खेलने वाली है चैंपियंस लीग की, उसको करंट अब उसके मेन टीम में बुलाया गया एंड ही इज द थर्ड चॉइस गोलकीपर। अगर आप बात करोगे अभी वो थर्ड चॉइस गोलकीपर है एंड अभी रिसेंटली उसके जो गोलकीपर कोच है वो एंड्रे क्रैकमैन है, मतलब ऑब्वियसली एंड्रे क्रैकमैन है जो कि जिन्होंने नरिश किया टैलेंट्स लाइक यान ओब्लैक समीर हैंडनोविच, तो ये दो गोलकीपर उसको नरिश किया, उनके साथ वो ट्रेन कर रहे हैं फिलहाल में सोम कुमार। एंड भाई जो रिसेंटली अभी थोड़े मैं एक दो महीने में ना चैंपियंस लीग क्वालिफाई हो जाएगा, तो भाई सोम कुमार कुड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द यूएफए चैंपियंस लीग वाइल रिप्रेजेंट या तो वाइल प्रेजेंटिंग हिज क्लब और वाइल प्लेइंग फॉर हिज क्लब दैट इज एनके ओलंपिया। जी हां दोस्तों, ये स्टोरी थी हमारे सोम भाई की एंड भाई ये एक स्टोरी एक कोई भी यंग फुटबॉलर रहेगा ना भाई उसके लिए एकदम इंस्पायरिंग स्टोरी है कि भाई नहीं, आपको खुद पे भरोसा है, आप खुद कर सकते हो बड़े स्टेज पे एंड वही करके दिखा है। एंड लेट्स होप भाई सोम कुमार अभी थर्ड चॉइस गोलकीपर है तो
मेन टीम के लिए भी जब भी चांस मिले एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस दे सके। एंड सोम कुमार भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, होपफुली अगर आपने आप देख रहे हो ये वीडियो, तो भाई वी आर ऑल विद यू भाई, बस नाम रोशन करिए, हम लोग आपके साथ है, दुख में भी और सुख में भी हम लोग आपके साथ है, जस्ट गो ऑन एंड यू नो आपके फैमिली को भी प्राउड फील कराइए, आपका फैमिली का भी नाम रोशन करिए और हमारे इंडियन नेशनल टीम का भी, इंडिया का भी नाम रोशन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है एंड आपके क्या कहना है भाई, आपको क्या थॉट्स है ये सोम कुमार ये प्लेयर के ऊपर एंड ये जर्नी आपको कैसे लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।